भाई साहब ये जो है अब्दुल्ला ओसेम है, जिनका कंपनी अब्दुल्ला ओथेम जिनका नाम है, उनका के भाई फोटो है और देख सकते हो यार इसको कैसा बना दिया। जो अब्दुल्ला ओथेम के मालिक है ना, असल उनका फोटो ये है, वो ही यही मालिक है इसके। खलास खलास बहुत सारे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के वो लोगो लगे हुए हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लोगो लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, कैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक जगह जा रहा हूँ। मैडम ने मेरे को भेजी लोकेशन और लोकेशन भेज के मेरे को बोला कि यहाँ जाने के बाद में आपको किताबें लेकर के आनी। मैंने अच्छा, जब मैंने लोकेशन देखी भाई तो मैं देख के शौक हो गया क्या है लोकेशन में, और उसका नाम पढ़ के मैं शौक हो गया यार कि वाकई मैडम मेरे को यहाँ भेज रही है। तो मुझे लगा अब जो उसमें लोकेशन का नाम लिखा हुआ, जो मैडम ने उस कंपनी का नाम मेरे को बताया, तो इतनी बड़ी कंपनी है वो कि आपको मैं बताऊंगा अब्दुल्ला ओथेम के नाम से कितनी बड़ी कंपनी है। अब्दुल्ला ओथेम जो यहाँ सऊदी अरब के अंदर, जिसके अंदर सब्जी और ये मॉल है, तो कितनी बड़ी कंपनी है। उसी कंपनी के नाम से मुअस्सिसा है जो खैरिया मुअस्सिसा खैरिया है, वो उस जगह मेरे को मैडम भेज रही है आज। और मैं अकेला जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या है। तो अब्दुल्ला ओथेम के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर आपको देख रहा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतने इतने बड़े उनके मॉल हैं। इसी कंपनी के क्या कहते हैं उसको, अब्दुल्ला ओथेम के मुअस्सिसा में मैं जाने वाला हूँ। मुअस्सिसा एक कंपनी है, तो अब देखते हैं क्या है, लेकिन बज़ाहिर है कि बड़ी कंपनी है अब्दुल्ला ओथेम। तो अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कितनी दूर है और कितना है, नाम भी दिखाता हूँ। तो ये देखो लोकेशन है, ये भेजी है, और ये देखो लिखा हुआ है, ये जो अरबी पढ़ना जानते होंगे उनको सब दिख रहा होगा, ओसेम रियाज, ये लिखा हुआ नीचे मौका मुअस्सिसा अब्दुल्ला ओसेम खैरिया। तो ये जो है ओपन हो गई है लोकेशन, तो 13 मिनट का दिखा रहा, 12 किलोमीटर है, लेकिन इस टाइम पे भाई जाम हो सकता है, तो देखते हैं। टाइम तो जाम का है क्योंकि स्कूल अभी क्लोज होने वाले हैं, स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो रोडों पे जाम जरूर होगा। तो 12 मिनट दिखा रहा है लेकिन ज्यादा लगेंगे, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मुअस्सिसा ओथेम कैसा है। मैं तो यहाँ पर लोकेशन पे आ गया हूँ, देखो अब्दुल्ला ओथेम के मुअस्सिसा है ये, और अब मैं मैडम को कॉल करता हूँ कि अंदर किससे मिलना है, क्या कहना है, ये बात पूछ लेता हूँ मैं पहले, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो मैडम की कॉल आ गई बात करता हूँ क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, तैयब अन इंदा बाब खुश इशू लना। बस वक्त भाई। तो भाई मैडम ने बोला है अंदर जाने के बाद में आप मुझे बोलना, मुअस्सिसा रुश्द से बोलना, हमारे अपनी कंपनी का नाम लेना कि वहां से मैं आया हूँ, और अंदर से किताबें देंगे वो। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हाल? हाय हाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर, मैं आया आने के बाद में जो इस्तकबाल पे काउंटर बैठे होते हैं उनको बताया मैंने अपनी कंपनी का नाम, तो वो समझे नहीं, फिर उन्होंने मैडम से बात की, उसके बाद में बोलना ठीक है मैं तलाश करता हूँ अभी कहाँ पर क्या है। तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब, देखो बहुत बड़ी ये कंपनी है, बहुत सारे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के वो लोगो लगे हुए हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लोगो लगे हुए हैं, और यहाँ से एंटर होंगे तो ऐसा आसान नहीं है आदमी चला जाए यहाँ पर भाई। फिंगर, आपका फिंगर होना चाहिए, आपका कार्ड होना चाहिए जब जाके एंटर होंगे, और ऊपर जाके बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पर जाके एंट्री जब होगी। तो मेरे को बोला भाई आप यहाँ पर आराम से वेटिंग करो, बैठ जाओ आराम से, जब आपका काम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखो मज़ा आ रहा है, फोटो लगा हुआ है, एक यूनिक फोटो लग रहा है मेरे को देखने में, देखो क्या है। तो अरे वाह भाई क्या बात है। हेलो हमारे इंडियन केरला सिद्धाम इंतजार इंतजार शोया।
भाई साहब ये जो है अब्दुल्ला उसेम है जिनका कंपनी है, अब्दुल्ला उथेम जिनका नाम है उनका, के भाई फोटो है और देख सकते हो यार इसको कैसा बना दिया, जो अब्दुल्ला उथेम के मालिक है ना असल उनका फोटो ये है, वही यही मालिक है इसके, तो देख सकते हैं ये सिर्फ पत्थर से बनाया, ये कलर नहीं है, ये पत्थर के ऊपर कलर कर दिया, सिर्फ पत्थर है कलरफुल, और ये पेन भी बना दिया भाई साहब देखो कलम से, सूरा नाक कान आंखें सब कुछ देखो सेम बना दी, वाह क्या बात है यार। तो भाई साहब ये आ गई है किताबें हमारी जो है, ओके 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 इंशाल्लाह सलाम सलाम। तो भाई साहब ये आ गई किताबें कंपनी की किताबें, इसमें जो फाइल होगी कंपनी की और कंपनी के इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो ये हैं पेपर फाइल है, तो इसमें सारा कुछ होगा। तो भाई साहब मैडम की तो पहुंच में लग रहा है बहुत बड़ी है तो ये इसके अंदर फाइल है जो कंपनी से कनेक्ट किया हुआ मैडम ने कुछ ना कुछ किया हुआ, और मस्त रिश्तेगा हमारा है, तो चलते हैं घर। सऊदी के बाद सऊदी अरब के अंदर भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है भाई साहब, देखा कैसे बनाया, भले ही सऊदी लोग क्या कहते हैं गैर मुल्कियों को बुला के उनको टैलेंट का निखारते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं देसी लोग हैं ना वो उनकी कदर नहीं है टैलेंट की, बोलो ये लोग शेख लोग जो हैं अरबी लोग जो हैं इंडियन देसी लोगों को बुला करके उनके टैलेंट को अपने अपने कंट्री में और अपने लिए फायदेमंद मुफीद बनाते हैं और वो कंट्री को अपने ऊपर ले जाते हैं, देखो कहाँ से कहाँ लेके गए समझ गए, तो इंडिया वालों को टैलेंट की कमी। स्कूल की छुट्टी होने हो गई और देख लो अब जो है रोड पे क्राउड बढ़ने वाला है 5-7 मिनट के बाद में, तो उससे पहले ही निकल लो आप भाई, 12-17 मिनट का रास्ता अभी हमारा। तो ये किताब है तो दे दी, अब फाइल जो है अंदर देनी है मैडम को, तो देखते हैं मैडम का, ये मैडम का अंदर का, दरवाजे पे आने के बाद में आपको लॉक करना पड़ता है, अंदर से कोई भी आएगा तो उनको देनी है। हाँ वो किताबें तो दे दी है, भूख लग रही है, खाना खाना है, बहुत टाइम हो गया, टाइम हो गया 3 यानी कि दोपहर के 3 बज गए, असर का टाइम होने में अभी आधा घंटा है, और क्या कहते हैं मैं जा रहा हूँ घर और रेस्ट लंच में थोड़ा सा लेट ना आराम करना है, उसके बाद में फिर देखते कौन सा काम है यार। दिक्कत ये हो रही है आज गाड़ी में ना हमारी गाड़ी है, इसके अगले पैरों से आवाज आ रही है जैसे कि वो लोहा घिसता ना चू चू के तरह आवाज आ रही है, अभी 1 महीने पहले इसमें काम कराया था, थोड़ी दिक्कत थी, 5-6 साल इस गाड़ी को हो गए उससे लिए नहीं, और पहली बार खुली थी, इसके बाद में जब से खुल के आई है गाड़ी में आवाज आ रही थी, ये काम भी सही कराने के लिए जाना, देखो अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। भाइयों सेकंड डे का मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, क्योंकि असल में वीडियो बाद में बनाई नहीं गई, और आपने देखा कि किस तरीके से रोडों पर तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा नेशनल डे 23 को नेशनल डे यहाँ पर मनाया जाता है, और इसी वजह से जुमेरात के दिन से छुट्टी छुट्टी अब है, कई दिन की छुट्टी है, देखो जुमेरात को छुट्टी होगा, फ्राइडे की छुट्टी यहाँ पर होती है, फ्राइडे सैटरडे और संडे, यानी के जुमा शनिचर इतवार पीर और मंगल को यहाँ पर अब दोबारा से स्कूल खोलेंगे, तो अब इंजॉय करने का टाइम है, 3-4 दिन आराम से इंजॉय करो घूमो, तो रोडों पे देखो क्या यहाँ पर फ्लैग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और बहुत सारे संडे के दिन तो यहाँ पर समझ लो बहुत इंजॉय होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और व्लॉग पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, इंशाल्लाह आपको इस वीक में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।